दोस्तों, कैसे आप सब। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप योनो SBI से ऑनलाइन तरीके से SBI में कैसे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप एक SBI से दूसरे SBI में कैसे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले आपको अपना योनो खोल लेना है। जब आप योनो खोलेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन देता है। जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ दो तरीके का लॉगिन होता है। एक लॉगिन एमपिन होता है, एक यूज़र आईडी पासवर्ड होता है। अगर आप एमपिन से आपको सही पड़ता है तो आप एमपिन से लॉगिन कर लीजिए। अगर आपको यूज़र आईडी से सही पड़ता है तो आप यूज़र आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, और याद रहे, 3 बार से ज़्यादा गलत मत डालिएगा, नहीं तो आपका 1 दिन के लिए ब्लॉक कर देगा। तो आपको इसको लॉगिन कर लेना है। सिंपल तरीके से मैं एमपिन डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा दो ऑप्शन, एमपिन और यूज़र आईडी पासवर्ड। ठीक है, तो एमपिन वाले लोग एमपिन से डाल लेंगे और यूज़र आईडी वाले लोग यूज़र आईडी डाल के सिंपल तरीके से अपना कर लेंगे। और यार ये सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप इसको वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा तभी आपको समझ में आएगा कि आप SBI से दूसरे SBI में कैसा पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। एमपिन से हम इसको खोल लेते हैं। जब खोल लेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि योनो कैश भी इसमें होता है। 20,000 रुपये आप आराम से निकाल सकते हैं ATM में जाके विदाउट ATM का, और कोई भी रुपये चार्ज नहीं लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको योनो पे का एक ऑप्शन दिख रहा होगा बीच में। ठीक है, तो आपको योनो पे पे ही क्लिक करना है। तो सिंपल तरीके से चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्विक ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन है सबसे कॉर्नर में, आपको इसी पर क्लिक करना है। अभी मैं आपको यही बताऊँगा कि आप SBI से SBI में कैसे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तब उसके बाद मैं ये भी वीडियो बना दूंगा कि आप SBI से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्विक ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देना है सिंपल तरीके से। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, SBI, अदर बैंक, बेनिफिशियरी, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, अभी हम SBI से SBI मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम SBI वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे सिंपल तरीके से। ठीक है, अदर बैंक में नहीं कर रहे हैं तो अदर बैंक वाला भी मैं वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे SBI से अदर बैंक में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से चलिए हम SBI पे क्लिक कर देते हैं। और याद रहे, आप जो भी करिएगा अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से करिएगा। तो यहाँ पे हम SBI पे क्लिक कर देते हैं। जब हम यहाँ पे SBI पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको उसका नाम डालने के लिए देगा जिसके खाते में आपको पैसे भेजना है, उसका अकाउंट नंबर डालने के लिए देगा 2 बार। ठीक है, तो सिंपल तरीके से याद रहे, आपको उसका अकाउंट नंबर, नाम वगैरह वगैरह सब कुछ मिला लेना है अच्छे से, आपको अपने पास लिख के रख लेना है। लिख के रखने के बाद क्या होता है कि आप फटाक से खोलेंगे तो आप देख देख के डाल देंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको लिख लेना है। और अगर आप पहली बार में 1 रुपया भेजना चाहते हैं तो 1 रुपया भेज दीजिए, क्योंकि ये चेक किया जाता है कि खाते में 1 रुपया सही आदमी के पार्टी में गया, मतलब सही पार्टी में गया या किसी और में। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, सेलेक्ट परपोज। आपको यहाँ पे परपोज सेलेक्ट कर लेना है कि आप किसको भेज रहे हैं, ट्रांसफ़र टू फैमिली और फ्रेंड्स, लोन रीपेमेंट, रेंट डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट बिल पेमेंट, अदर्स। ठीक है, तो आप किसी को भी भेज रहे हैं, तो मैं किसी अपने फैमिली फ्रेंड को भेज रहा हूं तो मैं ट्रांसफ़र टू फैमिली फ्रेंड्स पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, सिंपल तरीके से अमाउंट डाल के यहां पे ट्रांसफ़र टू फैमिली फ्रेंड पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद जब मैं इसे सबमिट करूंगा तो यहां पे मुझे लास्ट बार दिखाएगा कन्फर्मेशन के लिए कि आपका जो जो है, यहाँ पर देखिए पेइंग फ्रॉम लिखा है, मतलब जिस खाते से पैसा जा रहा है, जिसको हम पे कर रहे हैं उस बंदे का नाम लिखा हुआ है, उस बंदे का अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है कि कितना मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, फिर ट्रांसफ़र टू फैमिली और फ्रेंड्स को कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे चार्जेस 1 भी रुपया नहीं है। ठीक है, तो आप विदाउट चार्जेस है यार, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप विदाउट चार्जेस पैसा अपना पे कर सकते हैं सिंपल तरीके से। और इसमें क्या है कि 25,000 रुपये तक आप तुरंत ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 5,000 रुपये अभी ट्रांसफ़र करके आपको दिखा रहा हूँ। और वीडियो अगर पसंद आ रही होगी और वीडियो समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना तभी आपको वीडियो समझ में आ पाएगी। ठीक है, तो हम इसे सिंपल तरीके से सब कुछ कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर एक OTP आती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको जो भी काम करना है वो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से करना है। ठीक है, अगर OTP नहीं आती है तो आप OTP रिसेंड भी कर सकते हैं। अगर फिर भी OTP नहीं आती है तो फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डालिए, ऑन करिए, या फिर नेटवर्क एरिया में आ जाइए जहां आसानी से OTP आ सके। ठीक है, अगर OTP आती है तो यहां पे इंटर OTP मैनुअली का ऑप्शन देगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो OTP अपने आप
मैनुअल तरीके से यहाँ पे पड़ जाएगी। अगर नहीं होता है सिस्टम तो आप देख के यहाँ पे ओटीपी सबमिट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद सबमिट कर देंगे, जब सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, सक्सेसफुल यू हैव सक्सेसफुली पेड, आपने इस फलाने को पैसा भेज दिया है, इतना अमाउंट भेज दिया है। ये भी दिखेगा कि रिमेनिंग बैलेंस, मतलब आपने जिस खाते से भेजा है उस खाते का भी पैसा आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आपके खाते में इतना पैसा है। ठीक है, तो यार बहुत ही आसानी तरीके से मैं यहाँ पैसा ट्रांसफ़र कर दिया हूँ SBI के एक अकाउंट से SBI के दूसरे अकाउंट में। ठीक है, तो इसी तरह आप भी घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये काम तो ज़रूर करते हुए जाना। जय हिंद, जय भारत। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।